अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आलिया सिलाई कटिंग। आज हम न्यू बॉर्न बेबी कैप बनाएंगे, वो भी रीयूज हैंकरचीफ रुमाल का पुनरुपयोग, जिसके लिए यहाँ पर 14 इंच की लंबी स्ट्रिप और चौड़ाई 2 इंच की स्ट्रिप को हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। ये हमारे कैप के ऊपर बंद तैयार होगा इसका, तो इसे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर इसे हाफ कर देंगे, दो बना लेंगे, एक साइड में हम इसे रख लेंगे। अब जो हमारी दस्ती है वो बिल्कुल चौकोर है, 10x10 की, उसमें से हमने 2 इंच की पट्टी निकाल लेनी है। दो इंच की स्ट्रिप हमने यहाँ पर कट कर लेनी है हैंडकरचीफ में से, रुमाल में से हमने 2 इंच की पट्टी काट कर अलग कर ली है। और फिर इसे जो बड़ा वाला हमारा रुमाल का साइड है उसे हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करे बाद हमने हाफ साइड, हाफ में से इसे गोल शेप देना है इस तरह से। यहाँ पर हमने गोल शेप देकर ने इसे कट कर लिया है। बीच में एक कट लगाएंगे सेंटर का, और ये जो स्ट्रिप हमारी 2 इंच की हमने कट की थी उसका भी सेंटर निकालेंगे और बीच में कट लगाकर कट के ऊपर कट इस तरह से सेट करते हुए हमने गोल राउंड का जो कॉर्नर है उसे पकड़कर स्ट्रिप के ऊपर चुनट बनानी है, टक्स बनानी है, छोटे छोटे पिन टक्स यहाँ पर हम स्ट्रिप के ऊपर बनाएंगे। और बीच का कट और स्ट्रिप का कट एक साथ आना चाहिए, इस तरह से हमने यहाँ पर चुनट डाल देनी है। प्लेट्स यहाँ पर बना लेंगे, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आ गया है। और फिर दूसरी तरफ से कट की दूसरी तरफ से भी हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल देनी है और वो स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से सेट कर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हमने इसे जो स्ट्रिप हमारी नीचे वाली है उसे ऊपर की साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई को पैक करेंगे, और जो हमारी जो स्ट्रिप सिलकर रखी हुई थी उसे भी यहाँ पर हम इस तरह से अटैच कर लेंगे एक सिलाई से। एक सिलाई के साथ ये भी अटैच हो जाएगी इस तरह से, डबल फोल्ड करते हुए इसे जमाना है। ये हमारी कैप को बांधने के लिए काम आएगी, और इस तरह से इसके ऊपर नीचे वाली स्ट्रिप को रखते हुए हमने जो प्लेट बनाई थी वो अंदर की साइड में रखकर ऊपर स्ट्रिप की पट्टी को लेकर हमने स्टिच लगा लेनी है। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी की कैप बनाई है, और हमारी दस्ती का भी हमारा इस्तेमाल हो गया है डबल से। और ये सॉफ्ट वाली हैंडकरचीफ थी, इसमें बहुत कंफर्टेबल होगा बेबी को। और यहाँ पर
बीच का सेंटर नीचे की साइड में लगाकर एक दो चूनर और बना लेंगे पीछे वाले साइड में। देखिए अब हमारी कैप बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए बिल्कुल राउंड शेप और सॉफ्ट वाली हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए घर में ही हम इसे बना सकते हैं इस तरह से। एक रुमाल से हमने ये कैप बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।